लालची वड़ा पाव वाली। माँ माँ, अरे अरे सोहन बेटा, पीछे रहे, मैं वड़ा पाव की चटनी बना रही हूँ, कहीं गिर ना जाए। माँ मुझे भी पड़ोस वाली आंटी के बच्चों की तरह अच्छे अच्छे खिलौने चाहिए। खिलौने? अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैंने तुझे नई बॉल दिलाई थी। वो बॉल बहुत बुरी है माँ, मुझे भी राज की तरह महंगी गाड़ी चाहिए। देख बेटा, राज बहुत अमीर है, हम अमीर नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चाहिए तो बस चाहिए। अच्छा कुछ दिनों का इंतजार कर ले, मैं लाने की कोशिश करूंगी। रेखा ने ऐसे बोलकर अपने बच्चे का मन बहला दिया। कुछ देर बाद उसकी चटनी तैयार हो गई और वो वड़ा पाव बेचने बाजार में अपना ठेला लेकर आ गई। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव गर्मा गर्म, खट्टी मीठी चटपटी और नारियल की चटनी के साथ वड़ा पाव। अरे रेखा जी, मुझे एक वड़ा पाव दीजिए। देती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है भाई, इसमें थोड़ी सी मीठी चटनी डालिए ना। अभी डालती हूँ। रेखा ने चटनी डाल दी। उस आदमी ने वड़ा पाव खाया और वो 20 रुपए देकर वहाँ से जाने लगा। अरे सुनिए, ये आप क्या देकर जा रहे हैं? वड़ा पाव के पैसे। अब वड़ा पाव 20 का नहीं 40 का है। है क्या 40 रुपए? लेकिन रेखा जी, मैं तो अभी कुछ दिनों पहले ही वड़ा पाव खा कर गया था, तब तो 20 रुपए का ही था। जब 20 रुपए का था, लेकिन अब पैसे बढ़ गए हैं, जल्दी मेरे पैसे दीजिए। उस आदमी ने मूसा बनाकर पैसे दिए और वो वहाँ से चला गया। पूरी दुनिया पैसा बनाने पर है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऐसे में अगर मुझे भी अमीर बनना है तो मुझे जमाने के साथ साथ ही चलना होगा। अब से मैं वड़ा पाव 40 का ही बेचूंगी, तभी कुछ बात बनेगी। रेखा के मन में अमीर बनने के लिए लालच जाग रहा था। उसने अपना वड़ा पाव के रेट दोगुने कर दिए थे, लेकिन जिन लोगों को उसका वड़ा पाव पसंद था, वो अभी भी उसी से वड़ा पाव खरीद कर खाते थे। बहन, अगर 2 दिन तुम्हारे हाथ का वड़ा पाव नारियल की चटनी के साथ ना मिले तो मैं तो चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। लाओ एक बढ़िया सा वड़ा पाव लगाओ, अभी लो। इसी तरह से रेखा की दुकानदारी चल रही थी। वो अच्छी किस्म का माल लगाकर सफाई से वड़ा पाव बनाकर बेचती थी, जिसकी वजह से उसके ग्राहक लगभग बंधे हुए थे। एक दिन रेखा वड़ा पाव बेचने के बाद अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक बड़ा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, इसे चलाने वाला भी कितना ज्यादा और अमीर होगा ना। काश मैं भी इतनी अमीर हो पाती, फिर मैं भी मॉल वगैरह से शॉपिंग करती, अपने बच्चों को बड़ी गाड़ी में घुमाती। रेखा ऐसे ही सोचती हुई घर आ गई। जब वो अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी, तब उसने अपने पड़ोस वाले घर को देखा। वो 2 मंजिल का काफी बड़ा घर था। पास में ही गाड़ी खड़ी हुई थी और परिवार की चहल पहल की आवाजें आ रही थी। एक इन लोगों की जिंदगी है, जो सोचा वही मिल जाता है, और एक तरफ हम गरीब हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं और इस गरीबी में नहीं रहूंगी। मैं अभी अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दूंगी जो अमीर लोग देते हैं, उन्हें अच्छा खिलाऊंगी, अच्छा पहनाऊंगी। रेखा के मन में न जाने क्या चल रहा था। यही सब कुछ सोचते हुए वो अपने घर के अंदर आई, जहाँ उसका पति और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। अरे रेखा, आ जाने में देर हो गई। लेकिन कमाई क्या हुई, वही 100 या 200 की बचत। ऐसा मत कहो रेखा, 100 या 200 में भी हमारा गुजारा हो रहा है, तो और क्या चाहिए। बस 2 वक्त की रोटी ही मिल रही है, आपकी मजदूरी भी इतनी कम है और मेरी भी कोई खास बचत नहीं हो पाती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये ख्वाहिशें करते हैं, मेरा भी मन करता है बाकी लेडीज की तरह शॉपिंग करने का, अच्छी अच्छी चीजें घर में लाने का, लेकिन ये सब हमारे नसीब में कहाँ। हमारे पास जो भी है, हमेशा उसी का शुक्रगुजार रहना चाहिए। अच्छा वो सब छोड़ो, आज मुझे ठेकेदार जी ने ये कुछ आलू दे दिए, बोल रहे थे कि उनके किसी काम के नहीं है, एक नजर इन्हें देख लो। रेखा ने आलू चेक किए, सभी आलू सड़े गले थे और बहुत में कीड़े भी पड़ रहे थे। अरे कितने गंदे आलू हैं, मालिक को क्या, मैं कोई भिखारी या पागल लगता हूँ, अरे फेंको इन्हें। एक मिनट रुक जाइए मोहन जी, ये आलू मत फेंकिए। क्यों? मैं इन आलुओं को वड़ा पाव का भरता बनाने में इस्तेमाल कर सकती हूँ। इनका? रेखा कहाँ दिमाग है तुम्हारा, ये चीज तो खराब है और तुम तो नग जैसी चीजों का इस्तेमाल करती थी। जानती हूँ, लेकिन मोहन जी मैंने जान लिया है, ईमानदारी से काम करते रहने से कोई कामयाबी नहीं मिलती है। सुबह से शाम तक ना जाने कितने ग्राहक आते हैं, लेकिन बचत नहीं होती,
इसकी वजह है क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही अच्छा माल लगाते हैं। पता है ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह जो होते हैं ना, ये ऐसी ही चीजें लगाते हैं जिसकी वजह से इन्हें मुनाफा ज्यादा होता है। रेखा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो लोग नियत के साफ नहीं होते हैं जो ऐसा करते हैं। तुम चाहती हो कि तुम्हारा चलता हुआ काम ठप हो जाए। मुझे मत सिखाइए मोहन जी, मैं अब इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। मैं ना अपने बच्चों की कोई फरमाइश पूरी कर पाती हूँ ना ही अपनी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं वही करूँगी जो मेरे मन में आएगा। मोहन ने रेखा को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। उसने उन्हीं सड़े हुए आलूओं से भरता बनाया और साथ ही उसने बेसन चटनी के लिए टमाटर वगैरह भी सभी घटिया किस्म के खरीदे। अरे वाह, इतने सारे वड़ा पाव का सामान पहले के मुकाबले आधे से भी कम दाम में आ गया। रेखा बहुत खुश हो रही थी। उसने अपने पुराने दामों पर ही लोगों को घटिया किस्म के वड़ा पाव बेचे। उसके ठेले पर उसकी पड़ोसन भी आई। कैसा चल रहा है सब कुछ रेखा जी? अरे रजनी जी, आप सब अच्छा ही है। चलो अच्छा है, आज तो मेरे बच्चे वड़ा पाव खाने की जिद कर रहे थे तो सोचा कि आपसे ही लेती चलो। वैसे मैं अपने बच्चों को ऐसे स्ट्रीट से खरीद कर कुछ भी नहीं दिलाती हूँ, पर आप तो अपनी ही हैं। सही कहा। वैसे आप कहाँ से लौट रही हैं क्या? हाँ वो मैं ना आज शॉपिंग पर निकली थी, मेरे पति भी साथ थे। जानती हैं रेखा जी, उन्होंने मुझे एक सोने का हार दिलवाया और साथ में डायमंड रिंग भी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इसे तो मैं बहुत ही बेकार वड़ा पाव बनाकर दूंगी। ये लीजिए आपके दो वड़ा पाव। थैंक्स। रजनी रेखा को जलाती हुई चली गई, लेकिन आज रेखा का मूड ज्यादा खराब नहीं हुआ था क्योंकि मिलावटी करने के बाद उसे पूरे दिन का मुनाफा मिल चुका था। एक दिन मैं इस रजनी को पीछे छोड़ दूंगी। रेखा पूरा दिन वड़ा पाव बेचकर घर लौट आई। आज उसे बहुत ही अच्छी बचत हुई थी तो उन सभी ने आज अच्छा खाना खाया। अरे वाह, थोड़ा सा दिमाग चला लेने से आज कितना अच्छा खाना मिल रहा है। रेखा लेकिन भूलना मत कि लालच बुरी बला है। हाँ हाँ, ये सब बस कहानियों में होता है, असल जिंदगी में तो लालच ही कामयाबी दिलाता है। रेखा मोहन की मानने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे ही मिलावटी सामान जैसे घटिया तेल, पई वाला बेसन, गले हुए टमाटर की चटनी और बेकार आलू लगाते हुए रेखा को एक हफ्ता होने को आया था। इस एक हफ्ते में ही उसने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, खिलौने वगैरह सब दिलवा दिए थे। बहन, पहले तुम्हारे वड़ा पाव में जो स्वाद आता था अब वो नहीं आता है, बनाने भूल गई हो क्या? मेरे हाथों का स्वाद तो आज भी वही है, लगता है खाने वालों की जबान में कमी हो गई है। तुम तो पूरी ही बदल गई हो, ये लो बहन तुम्हारे पैसे। रेखा की आदत भी खराब हो चुकी थी, वो अपने ग्राहकों से अच्छे से पेश नहीं आती थी और ऐसे ही चलते हुए अब लगभग एक महीना होने को आया था। जो लोग रोजाना उसका वड़ा पाव खाते थे अब वो बीमार पड़ने लगे। ये अचानक से ही मेरा पेट कैसे खराब हो गया। अब रेखा के ठेले पर लोग शिकायत लेकर आने लगे थे। अरे बहन, कैसा वड़ा पाव खिला रही हो, जब भी खाता हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, क्या सबूत है कि मेरे वड़ा पाव की वजह से हुआ है? तबीयत तो कैसे भी खराब हो सकती है, जाकर अपना चेकअप करवाइए। रेखा अपने ग्राहकों को इसी तरह टेढ़ा जवाब देकर भगा देती थी, जिसकी वजह से अब उसकी बिक्री बहुत कम हो गई थी। लोग उसके वड़ा पाव खाने ही नहीं आते थे। अरे यार देख वड़ा पाव, चल खरीदते हैं। नहीं, यहाँ से मत लेना, जानती है मेरी दादी माँ बता रही थी ये कोई खतरनाक चीज की मिलावट करती है, इसके यहाँ के वड़ा पाव खाकर सभी की तबीयत खराब हो जाती है। क्या सच? तब तो चल हम कहीं और से लेकर कुछ खाएंगे। अब रेखा के ग्राहक इसी तरह से जाने लगे थे। अब ना उसके बड़ा पाव में वो पुराना स्वाद था और ना ही अच्छा सामान। दिन में अगर एक ग्राहक भी आ जाता था तो वो भी फिर कभी नहीं आता था दोबारा। लगातार ऐसा ही चलने से रेखा परेशान हो गई। उसे अपनी गलती भी महसूस हो रही थी लेकिन वो उसे मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन वो अपने पति से बोली, अजी मैं कोई दूसरा काम करूंगी, ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे काम को, कोई ग्राहक ही नहीं आता है। अरे नजर नहीं लगी, लालच खा गया। मैंने तुम्हें कितना रोका था रेखा कि लालच मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी और तुमने अपने हाथों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तुमने अपना चलता हुआ काम खुद ही ठप कर दिया। जानती हो कामयाबी मेहनत से मिलती है, लालच से नहीं। तभी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। अपने पति की बात सुनकर रेखा सिर पकड़कर बैठ गई। अब उसे अपनी गलती महसूस हो गई थी।
उसने आगे से फिर कभी लालच न करने की कसम खाई और वापस से अच्छी किस्म का सामान लगाकर ही उसने काम को दोबारा शुरू किया। धीरे धीरे अब उसके स्वाद से ग्राहक लौटने लगे और अब सब कुछ ठीक होता जा रहा था।